गाइस, जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू 13 से 15 जून का जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया है उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। जो मैंने ये नया वीडियो अपलोड किया है उसमें उसका भाग 2 है, जिसमें आगे के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। पिछला वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का कंबाइंड क्वेश्चन था, जो वो सब एक जगह ही एडजस्ट करके मैंने वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या फिर विज्ञान, गणित या जीके वगैरह इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान में से संबंधित प्रश्न उत्तर। संसद की जो पहला क्वेश्चन है वो संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ये, भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? वो है उत्तर है 1853 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। अगला जो क्वेश्चन है वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में किसने की थी? वो है राज बिहारी घोष ने। सूर्य की किरणों को सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? वो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में। और अगला क्वेश्चन जो है वो, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मनोज कुमार। हालांकि ये मुख्य निर्वाचन आयोग का नाम पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं इसे भी डाल दिया हूँ कि मुख्य निर्वाचन आयोग आयुक्त का नाम तो वो है ओम प्रकाश रावत, क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला ये है कि कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। इनके अंडर में ये और भी मंत्री विभाग इनके अंडर में है, जो है विधि एवं न्याय, मतलब कानून एवं न्याय हो गया ये। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मतलब आईटी डिपार्टमेंट के ये मंत्री हैं। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर का नाम क्या था? प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर का नाम मीरा कुमार। और वर्तमान लोकसभा स्पीकर का नाम सुमित्रा महाजन है। आगे चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है सुषमा स्वराज क्या है? सुषमा स्वराज किस पोस्ट पर अभी है तो वो बताना है इसमें। तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं और प्रवासी भारतीय मामले के मंत्री हैं। ये सारे प्रश्न इन 3 दिनों में 13 से 15 जून, 13, 14, 15 को पूछे गए थे। और एक ये रिक्वेस्ट आप अपने लोगों से करते हैं कि जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो नए लोग हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो मैं नए वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुँच पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान के भाग 4 में क्या क्या है? तो संविधान के भाग 4 में क्या क्या है वो उसे बताना है। तो संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपने तरफ से डाल दिया है, जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। आगे भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें भूगोल जो लोग ग्रेजुएशन में भूगोल वगैरह लिए हैं उन सबसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है? तो वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक भी है, मतलब भूगोल के जनक होने के साथ साथ ये जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक भी है। इसी में देखिए, जबकि कार्लिटल जेल जो नाम है वो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, ये मानव भूगोल के जनक कहा जाता है, जबकि रेगेटो एस्ट में भूगोल के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 63 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। इसे ग्रहों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये ज्ञानीमीड जो है ये पीले रंग का ग्रह उपग्रह है। इसमें आगे देखते हैं सबसे छोटा ग्रह उसका नाम क्या है, ये भी पूछा गया था। सबसे छोटा ग्रह का नाम बुध है। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। और सबसे बड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है सबसे लंबी नदी का नाम तो भी गंगा बता देते हैं लोग, और सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा जाता है तो वो भी गंगा बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, ये याद रखना जरूरी है। कनिष्ठ सहायक क्या है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट क्या है, ये कौन सा पद है ये, तो इसका सबसे सटीक शायद यही आंसर होगा। जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करते हैं उसे कनिष्ठ सहायक कहते हैं। मतलब कनिष्ठ नाम से ही पता चलता है ये कि जूनियर मतलब कि छोटा, तो छोटा और सहायक सहायता करने वाला, तो कनिष्ठ सहायक हो गया। तो विभिन्न अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करे उसे कनिष्ठ सहायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डेबिट किसे कहते हैं, डेबिट किसे कहते हैं, तो ये बैंकिंग से शब्द आए हैं डेबिट और क्रेडिट, जो कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछे गए हैं। तो डेबिट का मतलब यह होता है कि जैसे किसी बैंक के से पैसे का निकासी किया हो डेबिट कहलाता है। जैसे किसी बैंक के खाते में आपका अकाउंट, बैंक में अकाउंट है आपका, तो खाते से पैसे को निकालना ही आपका डेबिट कहलाता है, या लेन देन को ही डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट किसे कहते हैं, किसी खाते में डाले गए पैसे को हम क्रेडिट कहते हैं। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी बैंक के खाता में जमा की गई राशि को क्रेडिट कहते हैं, किसी बैंक के खाता में जमा की गई राशि को क्रेडिट कहते हैं। ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना है, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसे अपने अगले वीडियो में डाल दिया करूँगा, ताकि आप लोगों तक आसानी से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे तक पहुँच सके। विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर है, विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर है। पहला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, 2 दिन कंटिन्यू ये पूछा गया ये इंटरव्यू में। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीकरण को पार कर जाता है और वापस नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। मतलब ऐसा पिंड जिसे हम पलायन वेग का जो न्यूनतम स्पीड है, उस स्पीड से हम अगर ऊपर आकाश की ओर फेंके तो वो गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा और वो वापस कभी भी नहीं आएगा, तो उसे पलायन वेग कहते हैं। तो न्यूनतम वेग ये होता है पलायन वेग का, कम से कम जो वो स्पीड होनी चाहिए वो 11.2 किमी/सेकेंड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के मध्य लगने वाले आकर्षण बल उनके बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे इसका जो बल है F बराबर हो जाएगा m1g into m1 m2/r। जी का मान जो होता है, जी का मान होता है 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ये आप जी का मान जो है इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण में जी का मान क्या होता है।
तो जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है हुंड का नियम किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोनों दिन पूछा गया है। किसी उपकोष का हुंड का नियम, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया हो। जैसे कि कोई उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर से एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ हो तो वो हुंड का नियम नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब उस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा तब वो हुंड का नियम कहलाएगा। और जो लाइक करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को, आगे चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है क्योंकि योग दिवस आने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है कि कौन सा दिन योग दिवस मनाया जाता है। तो आइए इसके डिटेल में देखते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार 21 जून को 2015 को मनाया गया था, पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। ये जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जो 11 दिसंबर 2014 को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसे जो प्रस्ताव भाषण से पहल रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसे प्रस्ताव को मंजूरी मिला हमें वो 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिली, वो भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 21 जून को मनाने का एक कारण यह है कि उस दिन 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और मनुष्य के दीर्घायु होने के लिए सबसे लंबा दिन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सूचना एक ये है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।